बाबा की सुपरहिट रैली, भीड़ ऐसी कि पैर रखने तक की जगह नहीं। बाबा की सुपरहिट रैली के सामने फ्लॉप हुई केजरीवाल और राहुल गांधी की रैली। गुजरात के महमदाबाद में गरजे सीएम योगी, भीड़ इतनी कि उसे देखकर मोदी भी झूम उठे। जी हां, राहुल गांधी और केजरीवाल गुजरात में बिल्कुल फ्लॉप साबित हो गए। इसी बीच बुलडोजर बाबा की रैली इतनी सुपरहिट साबित हुई कि उसमें पैर रखने तक की जगह नहीं बची। तो चलिए आपको दिखाते हैं रैली की दमदार भीड़। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी मुझे यहाँ आकर के सिद्ध विनायक मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भाइयों बहनों, इस खेड़ा जनपद में ही डाकोर के पास रणछोड़दास मंदिर है। ये भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश का मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण मथुरा उत्तर प्रदेश से ही गुजरात की धरती पर आए थे और गुजरात की जनता ने उन्हें द्वारिकाधीश बना दिया। गुजरात की धरती ने इस देश को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिया, जिन्होंने देश की आजादी का नेतृत्व करते हुए सैकड़ों वर्षों की दास्ता से भारत को मुक्त करने में योगदान दिया। और गुजरात की धरती का कमाल है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजरात की धरती पर पैदा होकर के भारत गणराज्य का एकीकरण करते हैं। गुजरात की धरती का चमत्कार है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी गुजरात की धरती की माटी की देन है। भाइयों बहनों, वैश्विक मंच पर आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हो रहा है। हम सब जानते हैं यह देश वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उन स्थितियों में जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया था, आज वही भारत ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत की दुनिया की पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। यह भारत के लिए, हर भारतवासी के लिए गौरव की बात है। भाइयों बहनों, आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। दुनिया के 20 बड़े देश जिन्हें G20 के नाम पर संबोधित किया जाता है, जिनका दुनिया के 80% संसाधनों पर अधिकार है, वे 20 बड़े देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत अगले एक वर्ष तक उस G20 के देशों का नेतृत्व करेगा आजादी के अमृत महोत्सव पर। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। भाइयों बहनों, आज भारत की सीमा सुरक्षित हुई है तो भारत के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद समाप्त हुआ है। आज गुजरात में दंगे और कर्फ्यू नहीं लगते। ये दंगा और कर्फ्यू कांग्रेस ने दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात में सरकार गठित होते ही दंगा और कर्फ्यू सदैव के लिए समाप्त कर दिया। कर्फ्यू पे कर्फ्यू लग गया। आज भाइयों बहनों, कर्फ्यू नहीं लगता, दंगे नहीं होते,
आज गुजरात में विकास होता है, सोमनाथ का मंदिर का पुनरुद्धार होकर के भगवान सोमनाथ का भव्य परिसर बनकर के तैयार होता है। द्वारका धाम, द्वारकाधीश का धाम भव्य स्वरूप लेता है, मां अंबा का धाम भव्य स्वरूप लेता है, और गुजरात एक बार फिर से भारत के गौरव का प्रतीक बन जाता है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में संकट थी पूरी मानवता के सामने, पूरी दुनिया पस्त थी कोरोना के सामने, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना कालखंड के दौरान एक एक मंत्र, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक एक मंत्र भारत की 135 करोड़ जनमानस को बचाने के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। उन्होंने एक एक मंत्र दिया, जान है जहान है, जीवन और जीविका को बचाने के लिए जहां बीमार वहीं उपचार का मंत्र दिया, और फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, और फ्री में हर गरीब को राशन की सुविधा का लाभ भी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ये डबल इंजन की सरकार का कमाल था। भाइयों बहनों, अगर कांग्रेस की सरकार होती, वैक्सीन को ये लोग मार्केट में बेच देते और गरीब का राशन खा जाते। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता, किसी को फ्री में वैक्सीन नहीं मिलता अगर कांग्रेस होती तो। लेकिन मोदी जी ने एक एक व्यक्ति के जीवन की रक्षा की। एक ओर कोरोना जैसी महामारी का सामना किया, दूसरी ओर 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण का कार्य भव्य रूप में आगे बढ़ चुका है। भाइयों बहनों, भव्य रूप में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है। 2023 के अंत में जब भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे, तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत के गौरव का प्रतीक, राष्ट्र मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होगा। हर भारतवासी को गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। काशी में आप जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप ले चुका है। उज्जैन में आप जाएंगे, महाकाल का महालोक भव्य रूप प्राप्त कर रहा है। और उत्तराखंड में आप जाइए, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम एक नए स्वरूप में दुनिया के सामने प्रतिष्ठित हो रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पना को साकार रूप प्रस्तुत करने की उनकी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, कांग्रेस ने आतंकवाद दिया था कश्मीर में धारा 370 लगा करके, और प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम भी किया है। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, मुझे एक बात बताइए, क्या कांग्रेस कश्मीर से धारा 370 हटाती? और अगर कश्मीर से धारा 370 नहीं हटता तो भाइयों बहनों, आतंकवाद भी समाप्त नहीं होता। आतंकवाद समाप्त नहीं होता तो दंगे भी समाप्त नहीं होते, कर्फ्यू लगा रहता, विकास बाधित होता, बहन बेटियां सुरक्षित होती, व्यापारियों का व्यापार प्रभावित होता, कोई नया निवेश नहीं होता तो नौजवानों को रोजगार नहीं मिलता, रोजगार नौजवानों को नौकरी और रोजगार नहीं मिलता तो ये प्लान करते, और इसी को प्लान को कहते हैं ब्रेन ड्रेन। एक ही, यानी एक ही चोट से
सारी बीमारियों का समाधान कर दिया कश्मीर से धारा 370 को हटा करके। और मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती? क्या कांग्रेस कर पाती? क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण करती? और क्या कांग्रेस काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण कर पाती? भाइयों बहनों, कांग्रेस ना आपके संकट में सहयोगी बन सकती है। कोरोना कालखंड में ये दोनों भाई बहन कहीं दिखाई दे रहे थे क्या? कहीं नजर आ रहे थे? आज भी नहीं आ रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे होंगे? आपने देखा होगा भारत जोड़ो आंदोलन चला रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा चला रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो कैसे चला पा रहे हैं देख रहे होंगे। उनके मंच पर राष्ट्रगान के लिए खड़े होते हैं और पता लगता है कि वो फिल्मी गाना बजने लगता है। ये है उनका भारत जोड़ो। भाइयों बहनों, ये लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो बोलती है वही करती है, जो करती है वही बोलती है। और यही कारण है कि देश के अंदर विश्वास के प्रतीक के रूप में मोदी जी आज पूरे भारत के 135 करोड़ लोगों के लाडले बने हुए हैं, उनके विश्वास के प्रतीक बने हुए हैं। देश की जनता जानती है मोदी जी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित है, भारत समृद्धि की ओर अग्रसर हो रहा है। और इसीलिए लगातार हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा है, 25 करोड़ की आबादी है, और कांग्रेस कितनी सीट जीती है? दो। राम नाम सत्य है के लिए चार आदमी चाहिए होते हैं, और भाइयों बहनों कांग्रेस के पास वहां मात्र दो सीट है। और इसलिए भाइयों बहनों, जब उत्तर प्रदेश ने कांग्रेस को समाप्त कर दिया तो क्या गुजरात भी इसके लिए तैयार है? सभी लोग तैयार हैं? आप सभी लोग इस बारे में सहमत हैं? तो मैं आप सबसे इस बारे में अपील करूंगा कि आप सभी लोग अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के अंदर श्री भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में खुश हैं, तो आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अर्जुन सिंह चौहान को भारी बहुमत से विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। सभी लोग सहमत हैं? तो आप सभी मेरे साथ अपना दोनों हाथ उठा करके उन्हें अपना समर्थन देंगे, मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।